क्या कहना चाहती हैं? बहुत खुशी का मौका है और कार्तिक और नवीन की खुशी दुगनी नहीं चौगनी हो गई है। अब पूरा परिवार साथ में आ गया है और जो बात वो पूरे परिवार को बताना चाहते थे, पहले वो अलग अलग बताने वाले थे, लेकिन अभी वो साथ में उन्हें वो बता सकते हैं। सो दे आर वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड नर्वस। आप दोनों का आंखों आंखों में कोई इशारा भी चल रहा होता है पूरे गाने में। एक्चुअली वो सारी फील चल रही थी, दे ऑब्वियसली बहुत इमोशनल है। वो लोग जो ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम में भी वो लोग रो देते हैं और रियल लाइफ में भी उनको रोना आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात सबको बताने जा रहे हैं। डिवोर्स होने के बाद जब वापस एक होना चाहते हैं तो वो अब तक उन्होंने फैमिली को नहीं बताया, अभी जस्ट तो उन्होंने एक दूसरे को बताई है, तो वो बात फैमिली को बताना है। और अभी कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि पहले हम गधे थे जो हम दो साल अकेले अलग अलग रह गए, ढाई साल अलग अलग रह गए एक दूसरे के बिना, और अब फैमिलीज वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो लोग तो चाहते थे ना कि हम एक हो जाएं, तो अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो वो बस कैसे ना कैसे करके चाहते हैं कि वो लोग मान जाए। और हमें एक वार्निंग भी मिली है कि ना बताया जाए, वो भी हमें वार्निंग मिली है नानी जी से, हमारी नानी से, कि जो भी करें हम सोच समझ के करें, क्योंकि ये कदम बहुत बड़ा होगा। जब हमने डिवोर्स का फैसला लिया था तब भी हमें बाद में लेने के बाद पछतावा हुआ था, तो अब कुछ और फैसला हम ऐसा ना ले लें जिससे लेने के बाद फिर हमें पछतावा। जी जैसे इसके अगर कुछ अच्छा चीज़ भी बताना तो भी मौका देख के बताया जाए, बुरे टाइम पर अच्छी चीज़ भी बुरी हो जाए। इल्म ने इस चीज़ का क्या बात।